हो चुकी है शाम, अभी लाइटें वाइटें हमने जगा दी हैं और ये भी कर दी ऑन, चल रहे हैं भाई। ये हमारी सीट आज खाली रहेगी चक्रपुरा, तो अभी हम भाई नए ट्रिप के लिए आ गए लोडिंग के लिए। कल लोडिंग नहीं हुआ था क्योंकि कल इधर चल रहा था इलेक्शन, उसकी वजह से नहीं हुआ। अभी हम 6 बजे उठ के यहाँ पे आए हैं। अभी हमारा पास दोनों गाड़ी है, फिर दूसरा गाड़ी मेरे साथ हुआ है बंगाल नंबर मालदा का गाड़ी है, और खाली नंबर से पहचान आती है, बाकी अपने साथ सेफ गाड़ी लेता क्योंकि वो भी गाड़ी सरन से बना है। तो अभी जा रहे हैं बिना सीमेंट में नासिक के लिए लोडिंग है। ये देखो फैक्ट्री का अंदर वाला रोड एंटर हो चुके हैं हम, क्योंकि यहाँ पास में ये 4-5 किलोमीटर करके बाहर में पार्किंग में लगाया हुआ था गाड़ी। तो अभी जा रहे हैं अंदर। ये देखो लोडिंग स्लिप मिल गई और पीछे सील लगा के इन्होंने दे दिया। तो अब चलते हैं सीधा फैक्ट्री में, क्या है क्या नहीं, कब तक लोड हो जाएगा, क्योंकि कब से फैक्ट्री बंद है तो गाड़ियाँ तो इतनी नहीं हैं, तो लोड तो बोल रहा है वो सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि 2-3 घंटे में लोड हो जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। दूसरी गाड़ी जो बंगाल नंबर थी वो चली गई है, ये रही फैक्ट्री। और ये देखो यहाँ की गाड़ियाँ, और लोड वो हो जाएगी अब थोड़ी देर में, मेरे को भी भेज देंगे, दोनों गाड़ी लोड हो जाएगा, फिर साथ में चले जाएँ क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, साथ साथ में ठीक करेगा भाई। फाइनल अपनी गाड़ी का ना वो आ गया लाउसमेंट, और स्पीकर में लाउसमेंट करते हैं, जब नंबर आता है तो गाड़ी लोडिंग के लिए जाती है। तो अब चले हम लोडिंग के लिए, सामने ही गेट है। पीना सीमेंट नाम भी कैसा भाई, पहली बार सुना पीना सीमेंट, हमारी तरफ तो उधर है नहीं है कोई भी भाई। लोडिंग पॉइंट पे लग गया गाड़ी, ये देख सकते हो आप, तो भाई गाड़ी अपना हो गया लोड और त्रिपाला भी हल्का सा पीछे मार दिया। अब चलते हैं चालान बिल्टी लेने के लिए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका के अंदर, एंटर हो गए हैं और अभी आगे जाके डीजल भी डलवाएंगे क्योंकि खाते में डीजल डलवाना है, और वही जिसका कंपनी का माल भरा उसी का खाते में, कोई बात नहीं चलते हैं देखते हैं। 10 किलोमीटर है अभी, रोड भी ठीक ही है, पीछे तो थोड़ा ख़राब था कर्नाटका में, बढ़िया आ गया रोड, तो उतना भी बढ़िया नहीं है पर पीछे वाले से सही है। और ये साइडों में लोगों ने इधर पत्थर होता है तो ये जो बचता माल जो ख़राब निकलता है तो उसको साइड पे ऐसे फेंक देते हैं। ये पूरा रोड पे दोनों तरफ से ऐसे दिखेगा, ये देखो ये इधर कितना लगाया आप बैठा। तो भाई डीजल भी हम लोगों ने डाल दिया, टैंकी फुल हो गई, अब हम चलते हैं सीधा अपनी मंजिल की तरफ। तो चल रहे भाई, थोड़ा रह गया मतलब सफ़र टोटल है यहाँ से 650-700 मान के चलो, क्योंकि 10-20 किलोमीटर इधर उधर हो जाता है। अभी हम चढ़ जाएंगे हैदराबाद शोलापुर हाईवे पे थोड़ी देर में, फिर उसके बाद हम चलते हैं, फिर हम शोलापुर से बीड़ वाला औरंगाबाद वाला रोड पकड़ लेंगे तो सीधे चले जाएंगे। तो
अभी हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, जो शोलापुर वाला हाईवे है उस पर चढ़ गए हैं। तो वो रास्ता आगे कर्नाटका का तो पीछे बढ़िया था, लेकिन जो तेलंगाना का था वो थोड़ा उसका काम लगा हुआ था उसकी वजह से ख़राब था। बाकी मौसम भी धूप बहुत ख़तरनाक है, गर्मी हो रही है पूरी। और साथ में देखो भैया बंगाली दादा मेरे साथ में, और पूरी जम्मू जैसी गाड़ी बनाई है और सरन से ही गाड़ी बनाई है। खाली नंबर से पहचान आती है और किसी से पहचान नहीं आती गाड़ी कहाँ की है, नंबर देख के पता चलता है। हाँ भाई बंगाली है दादा, दादा की अच्छे दादा भाई। हमने महाराष्ट्र में अब इंटर हो चुके हैं और चल रहे हैं भाई। अभी साथ में दो ही गाड़ी है, मैं अकेला हूँ आपको पता ही है। अभी हम पहुंचे थे यहाँ, रुके थे और साथ में डाला यूरिया। और ये देखो बंगाल नंबर गाड़ी, यहाँ पे साथ में पियेंगे चाय। निकले ही थे, बारिश लग स्टार्ट हो गई, तो अभी वो गाड़ी का टायर भी पंचर था और यहाँ पे पंचर वाला नहीं है। तो अभी देखते हैं कहाँ पे पंचर वाला मिलता है, वहाँ पे पंचर उसको पहले लगाना ज़रूरी है क्योंकि नया टायर है, ट्यूब लंगोटी ख़राब हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है कोई। हाँ इधर है, इधर। तो भाई अभी गाड़ी ने आगे आगे चल रही है, टायर पंचर लगवा लिया, अब हम निकल पड़े। और बारिश भी हल्की हल्की कभी आती है कभी रुक जाती है, अभी रुक गई है। इधर देखो रोड पे पता चल जाता है। साढ़े 450 किलोमीटर बचा है, सुबह तक पहुंच जाएंगे रब खैर करे तो। इधर कोई शादी है, तो भाई अभी हम चल रहे थे रात को, कोई 2-2 घंटे सोए थे और अभी 5 बजे के हम चल रहे हैं और 5:50 जो 1 मिनट हुए हैं। और हम अभी फिर से अपना सफर स्टार्ट, दोनों गाड़ी साथ में। तो रात को पूरी तरीके से आ गया था, गाड़ी इधर उधर होने लगा था, हमने बोला नहीं 1-1.5 घंटा आराम कर लेते, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। और बारिश का मौसम है इधर पूरा, आज देखो क्या होता है। तो भाई अभी हम चढ़ चुके हैं एक्सप्रेसवे पे, जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेस है। और रोड देखो भाई क्या मस्त रोड है, अभी 118 किलोमीटर इसी पे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम नासिक, सिन्नर में उतरेंगे जाके। Thank you.
पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। और ये मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, ये कार्ड दिया है मैं आपको, एक मिनट दिखाता हूँ कार्ड, ये देख सकते हो आप कार्ड, ये कार्ड दिया है इन्होंने, ऊपर नंबर लिख के, बाकी और कुछ भी नहीं है, एक महीना वैलिडिटी है। और चालान कर रहे थे 3000 का, लेकिन वो 24 घंटे वैलिडिटी है, तो बिना मतलब सही बात ये है, गाड़ी में ये चीज़ है वो चीज़ है, ये क्यों लगाया, ये क्यों जगाया, ये परांदा क्यों बांधा है, बस ऐसे करके बिना मतलब सही फोकट में। अब भाई साहब अपनी शौक के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, हमारी रोजी रोटी है, तो लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है। अगर इतने दूर में इनके साथ पंगा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, साथ में अकेला आदमी है, ऊपर से गाड़ी भी अकेली है, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं इनके साथ। लेकिन एक बात है, हराम का खा के पेट नहीं भरता है, ये बात तो 100% है, वो जितना मर्जी खा लो। तो भाई हम लोग इधर ही खड़े हैं, सुबह के 10 बजे के खड़े हैं, अभी तक गाड़ी अनलोडिंग नहीं होगा क्योंकि सुबह अनलोडिंग होगा, चलो कोई बात नहीं। खाना वाना हो गया और अभी हम इधर ही हैं क्योंकि सुबह गाड़ी खाली होगी, व्लॉग को करना यहीं पे एंड। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।